नमस्कार मित्रों, मैं सुमन प्रकाश आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृत वर्ल्ड में स्वागत करता हूँ। मैं यहाँ पर आप सभी को न्यास के निरुक्त के विषय में कुछ जानकारी दूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। वेदांग, वेदांग कुल छः हैं, निरुक्त भी वेदांग का एक भाग है। तो वेदांगों के बारे में हम जान लेते हैं। छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पो अथ पठ्यते ज्योतिषम अयनम चक्षुः निरुक्तम श्रोतम उच्यते। शिक्षा ग्रहणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम तस्मात् सांगम अधीतयैव ब्रह्मलोके महीयते। इन दो श्लोकों को आप पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ में 41 पहले श्लोक नंबर में देख सकते हैं। यदि इनमें आप इन लाल कलर में की गई पंक्तियों को ही याद करेंगे तो आपका काम चल पड़ेगा, परंतु फिर भी आप इन दोनों श्लोकों को याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इन श्लोकों को कहने का यह तात्पर्य है कि छंदः पादौ तु वेदस्य, छंद जो है वह वेद रूपी पुरुष जो है उसके पाद है। हस्तौ कल्पो अथ पठ्यते, हाथ जो है वह कल्प है। ज्योतिषम अयनम चक्षुः, ज्योतिष जो है वह नेत्र है। निरुक्तम श्रोतम उच्यते, निरुक्त जो है वह श्रोत्र है, वह श्रोत्र कहा जाता है। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, शिक्षा जो है वह घ्राण है। मुखम व्याकरणम स्मृतम, मुख जो है वह व्याकरणम है। तो इनको समझने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक उदाहरण देना चाहूँगा। जब मूर्तिकार किसी मूर्ति का निर्माण करता है तो वह अंत में उस मूर्ति का मुख बनाता है, क्योंकि उस मुख से ही उस मूर्ति के बारे में हमें ज्ञान होता है। तो व्याकरण को इन छह वेदांगों में सबसे मुख्य कहा गया है। अब आपका मुख होगा तो आपके उसी मुख पे घ्राण लगेगा, उसी पे कान लगेंगे, उसी पे श्रोत्र लगेंगे, उसी पे आंखें लगेंगी, सभी कुछ उसी पे सुशोभित होगा। ये तो नहीं कहीं आपके छाती पे नाक लगा दी या बाजू पे आंखें लगा दी, तो व्याकरण ही मुख है, आपको इस प्रकार जानना है। अब मुख बन गया तो मुख के बाद हम घ्राण पे आएंगे, नाक पे आएंगे, तो नाक को आपको शिक्षा इस प्रकार से जानना है। नाक के पश्चात हम दो कानों पे आएंगे, तो उनसे आपको निरुक्त यह जानना है। कानों के पश्चात हम नेत्र पे आएंगे, तो उससे आपको ज्योतिष जानना है। और नेत्र के पश्चात आप हस्त पे आएंगे, उससे आपको कल्प जानना है। और अंत में पाद पे जाएंगे, पैरों पे जाएंगे, तो उसको आपको छंद को जानना है। यहाँ पर आप इसको किसी भी क्रम से याद कर सकते हैं, या ऐसे ऊपर से नीचे को कीजिए या नीचे से ऊपर को कीजिए। यहाँ पे क्रम नहीं पूछा जाता, यहाँ पे आपसे पूछेंगे कि छंद क्या है, या ऐसे पंक्ति दे देंगे छंद डैश डैश, तो आपको नीचे चार ऑप्शन दिए होंगे, पाद हस्त नेत्र श्रोत्र, तो आपको वहाँ पे पाद चुनना है। एक और उदाहरण ले लेते हैं, निरुक्तम डैश डैश, वहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से आपको श्रोत्र चुनना है। चलिए आगे देखते हैं। अब पाठ्यक्रम, यहाँ पर पाठ्यक्रम रखने का मेरा यही प्रयोजन है कि हम अपने व्याख्यान को अधिक विस्तार से बोलते हुए या कहीं से बोलते हुए कहीं और ही ना पहुँच जाएँ, हम अपने पाठ्यक्रम की सीमा में ही रहें। तो इसीलिए मेरा पाठ्यक्रम को यहाँ पे रखने का यही प्रयोजन है। और यह पाठ्यक्रम UGC नेट 25 कोड का है, पहली और दूसरी इकाई में निरुक्त लगा है। तो चलिए उसका पाठ्यक्रम देखते हैं। उसमें हमें निरुक्त में अध्याय एक तथा दो में चार पाद लगे हैं। वह चार पाद कौन से हैं? नाम विचार, आख्यात विचार, उपसर्गों का अर्थ, निपात की कोटियाँ। जब इनका आगे मैं अगले वीडियो में इनको और विस्तार से आपको बता दूंगा। निरुक्त अध्ययन के प्रयोजन, हमें निरुक्त क्यों पढ़ना है, उसके क्या प्रयोजन है, उसके क्या लाभ होते हैं,
तो वो सब यहाँ पे जानना है, निर्वचन के सिद्धांत। निम्नलिखित शब्दों की व्युत्पत्ति। अब व्युत्पत्ति, जब मैं आपको इन शब्दों की व्युत्पत्तियाँ करवाऊँगा तो वहाँ पे बता दूँगा कि व्युत्पत्ति क्या होती है। तो व्युत्पत्तियों में आपको आचार्य, वीर, हृद, गो, समुद्र, वृत्तर, आदित्य, उषश, मेघ, वाक, उदक, नदी, अश्व, अग्नि, जात, वेदस, वैश्वानर और निघंटु, इन्हीं शब्दों की आपको व्युत्पत्ति याद करनी है। इसके अलावा भी हमारे ग्रंथ में बहुत से शब्दों की व्युत्पत्तियाँ दी गई हैं जिनको हमें नहीं देखना है, हमारे पाठ्यक्रम में केवल इतने ही लगे हैं। निरुक्त के अध्याय जो 7 लगा है, दैवतकांड, वैदिक स्वरों में उदात, अनुदात और स्वरित, इन 3 प्रकार के स्वरों को जानना है। और अंत में वैदिक व्याख्या पद्धति, प्राचीन एवं अर्वाचीन। तो चलिए आगे देखते हैं। अब सामान्य वर्ष्य निरुक्त के विषय में हम कुछ सामान्य चर्चा कर लेते हैं कि निरुक्त क्या है, उसमें कितने अध्याय हैं, कितने कांड हैं, इसके वर्ण्य विषय में क्या क्या है। तो चलिए देखते हैं। यह निरुक्त जो ग्रंथ है इसके कर्ता है यास्क। तो यास्क के निरुक्त के विषय में कहा गया है, निरुक्तम श्रोतम उच्यते। जैसा कि हम पहले ही श्लोकों में जान चुके हैं, तो निरुक्त जो है वह वेद रूपी पुरुष का श्रोत्र यानी कान है। आपसे ऐसा पूछ सकते हैं कि यह कहाँ पे पंक्ति प्राप्त होती है, तो आपको उत्तर लगाना है पाणिनीय शिक्षा। निघंटु वैदिक शब्दकोश है। निघंटु जो है वैदिक शब्दकोश है, इसमें ऋग्वेद के शब्दों का संग्रह है। इस निघंटु ग्रंथ पर यास्क ने निरुक्त नामक व्याख्यान ग्रंथ लिखा है। कौन सा ग्रंथ लिखा है? व्याख्यान ग्रंथ। आपसे पूछ सकता है कि निरुक्त क्या है, तो यह एक व्याख्यान ग्रंथ है। इस पर यास्क ने निरुक्त नामक व्याख्यान ग्रंथ लिखा है। तो आपसे आपका क्वेश्चन बनेगा कि यास्क ने निरुक्त नामक डैश ग्रंथ लिखा है, निरुक्त नामक व्याख्यान ग्रंथ लिखा है, और यह व्याख्यान ग्रंथ किस पर लिखा है? सभी पूछ सकते हैं। तो आपको उत्तर लगाना है, यह व्याख्यान ग्रंथ निघंटू पर लिखा गया है, क्योंकि निघंटू का ही इस निरुक्त में विशाल रूप से यास्क ने वर्णन किया है, जिसको हम आगे देखेंगे। निघंटू ग्रंथ में 5 अध्याय हैं और 3 कांड हैं। निरुक्त ग्रंथ में 14 अध्याय और 3 कांड हैं। इनमें अध्याय 12, इनमें यानी निरुक्त में अध्याय 12 प्लस 2 अंतिम अध्याय जो परिशिष्ट हैं, इनको मिलाकर 14 अध्याय होते हैं। निरुक्त को शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र कहते हैं। निरुक्त को क्या कहते हैं? शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र कहते हैं। यह एक व्युत्पत्ति शास्त्र है और निरुक्त जो है वह व्याख्यान ग्रंथ है। किसका व्याख्यान ग्रंथ है? निघंटू का। वैदिक शब्दों का संग्रह निघंटू में किया गया है तथा उनकी व्याख्या निरुक्त में की गई है। यहाँ से आपको यह स्पष्ट हो जाएगा। निरुक्त में 4 प्रकार के पद हैं। कौन कौन से हैं? नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। इन 4ों का वर्णन मैं आपको अगले वीडियो में या आगे उपलब्ध करवा दूंगा। अब निरुक्त के कुछ प्रमुख टीकाकार हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो दुर्गाचार्य, इनकी टीका है ऋज्वर्थवृत्ति टीका। इसको दुर्गवृत्ति नाम से भी जानते हैं। आपसे पूछ सकता है कि दुर्गवृत्ति किसकी टीका है, तो आपको उत्तर लगाना है दुर्गाचार्य की। और वर रुचि की है इस पे निरुक्त निचय। इन दोनों टीकाकारों में से सबसे प्रमुख टीकाकार जो है वह दुर्गाचार्य है। दुर्गाचार्य यास्ककृत नियुक्त के प्रसिद्ध टीकाकार हैं। अब निघंटू और निरुक्त के अध्यायों का हम वर्गीकरण जान लेते हैं कि इनमें किस किस प्रकार से अध्याय बताए गए हैं। तो निघंटू में 5 अध्याय हैं जो 3 कांडों में विभक्त हैं। निरुक्त में 14 अध्याय हैं जो 3 कांडों में विभक्त हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 अध्याय हैं, 3 कांड हैं, यहाँ पे 14 अध्याय हैं और 3 कांड हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि निघंटू पे
यास्क ने निरुक्त नामक व्याख्यान ग्रंथ लिखा है। उसने निघंटु में जो शब्दों का प्रयोग हुआ है, व्युत्पत्तियां हुई है, उनको यास्क ने विस्तार से, देख लीजिए यहाँ पे विस्तार हुआ तो 14 अध्यायों में, इन 3 कांडों का वर्णन 14 अध्यायों में विस्तार से किया है। तो चलिए जानते हैं कि किस अध्याय को कौन सा कांड कहते हैं। 1 से 3 अध्याय निघंटु का कांड कहलाते हैं, 4 अध्यायों को एकपदी या निगम कांड कहते हैं, 5वें अध्याय को देवत कांड कहते हैं। निरुक्त में 12 प्लस 2, अंतिम 2 अध्याय जो है वह परिशिष्ट के हैं, और 12 अध्याय को जोड़कर कुल इसमें 14 अध्याय होते हैं। इसमें 1 से 3 अध्याय निघंटु कांड कहलाते हैं, 4 से 6 अध्याय निगम कांड कहलाते हैं, 7 से 12 अध्याय दैवत कांड कहलाते हैं, और अंतिम 2 अध्याय परिशिष्ट कहलाते हैं। निरुक्त में शब्दों का निर्वचन 3 प्रकार से किया गया है, प्रत्यक्ष, परोक्ष और अतिपरोक्ष। इन 3 प्रकारों से शब्दों का निर्वचन किया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि निरुक्त में शब्दों का निर्वचन किस प्रकार से किया गया है या कितने प्रकार से किया गया है, तो आपको उत्तर लगाना है 3 प्रकार से किया गया है। तो निरुक्त के विषय में यास्क और सायण की कुछ अति महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो परीक्षा में आती हैं, तो चलिए उनके बारे में संक्षिप्त परिचय हम जान लेंगे, जिनका विस्तार से वर्णन मैं आपको आगे वीडियो में उपलब्ध करवा दूंगा। तो यास्क कहते हैं, तदिदं विद्यास्थानं व्याकरणस्य कार्त्स्यन्यं स्वार्थसाधकं च। अर्थात वेदों के अर्थों को स्पष्ट करने में निरुक्त आवश्यक है और यह व्याकरण शास्त्र का पूरक है। कार्त्स्यन्यं से यहाँ पर हमें जानना है पूरक है। यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि निरुक्त जो है वह वेदों के अर्थ, मतलब उसमें जो शब्द लिए गए हैं उनको वह स्पष्ट करता है, उनकी व्युत्पत्तियाँ बताता है, और यह व्याकरण शास्त्र का पूरक है। यह पंक्ति याद कर लेंगे तो आपका काम चल पड़ेगा। आपसे आपको जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो उस पे यह करवा दूंगा, जिससे आपका अभ्यास हो जाएगा। सायण कहते हैं, अर्थावबोधे निरपेक्षतया पदजातम यत्रोक्तम तन्निरुक्तम। अर्थात निरुक्त वेद मंत्रों के कठिन शब्दों की व्युत्पत्ति करता है। निरुक्त जो है वह वेद मंत्रों में जो कठिन शब्द हैं उनकी व्युत्पत्ति करता है। अब यास्क के पूर्ववर्ती कुछ निरुक्तकार हुए हैं, उनके नाम जान लेते हैं। तो गार्ग्य, औपमन्यु, वार्ष्यायणी, गालव, अग्रायण, शाकुनि, औरंगाभ आदि। अब इन नामों को हम क्रम से कैसे याद करें, तो इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, जिसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं। गार्ग्य और औपमन्यु ने वर्षा के कारण गीली मिट्टी के अग्रभाग पर शाक ओरण लगाए। कहने का तात्पर्य यह है कि गार्ग्य और औपमन्यु नामक दो मनुष्य हैं। जब वर्षा होती है तो वर्षा के कारण मिट्टी गीली हो जाती है, गीली मिट्टी के अग्रभाग पर वह वे दोनों शाक और औरण लगाते हैं। तो चलिए इसको यहाँ पे घटाते हैं। गार्ग्य से आपको गार्गे जानना है, औपमनु से औपमन्यु, वर्षा से वार्ष्यायणी, गीली से गालव, अग्रायण से अग्र, शाकपूर्णी से शाक, और शाक से शाकपूर्णी, औरण से औरण भाव। इस प्रकार आप इस ट्रिक के माध्यम से इन्हें निरुक्तकारों के नाम याद कर सकते हैं। अब निरुक्त में प्रतिपाद्य विषय क्या क्या है, किस किस अध्याय में किन किन विषयों का वर्णन किया गया है, तो उनके बारे में जानते हैं। अध्याय 1 में निघंटु, नाम, आख्यात आदि पद विभाग, शब्द नित्यता का विवेचन, मंत्रों की सार्थकता का प्रतिपादन, अर्थ ज्ञान का महत्व, इनका वर्णन पहले अध्याय में किया गया है। अध्याय 2-3 में निर्वचन, वर्ण परिवर्तन आदि से संबंध, भाषा शास्त्रीय विवेचन,
अध्याय 4-6 में वेदों के निघंटू में पढ़ाए गए कठिन शब्दों की उदाहरण सहित व्याख्या। अध्याय 7 से 12 में देवतावाची शब्दों की विस्तृत व्याख्या। द्युलोक, अंतरिक्ष, पृथ्वी, स्थानीय देवों का निरूपण किया गया है। अध्याय 13 से 14 जो परिशिष्ट हैं, परिशिष्ट अध्याय के रूप में जाने जाते हैं, में इनमें निर्वचन प्रक्रिया, सृष्टि, उत्पत्ति आदि अनेक विषयों का विवेचन किया गया है। अब यहाँ पे एक नोट है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। निरुक्त का अध्याय 13 और 14 दो अध्याय जो है परिशिष्ट के रूप में है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि परिशिष्ट के सहित निरुक्त में कितने अध्याय हैं, तो आपको लगाना है 14, और परिशिष्ट से रहित कितने अध्याय हैं, तो आपको लगाना है 12। तो आज के व्याख्यान में हम बस इतना ही जानेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल में नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।